बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी अतरंगी दुनिया में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह हो चुकी है। आज लगाई है मैंने मस्ती, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। हम सब लोगों ने बहुत मस्ती की है, तो रजाई हैं वो गंदे, बहुत गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा आज क्यों ना उनको वॉश कर दूँ, इसलिए मैंने मशीन लगाई है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं तो ये अपने आप नीचे आ जाता है और सारे कपड़ों में अच्छे से मिक्स हो जाता है। आधे से ज़्यादा कपड़े धुल चुके हैं, बस अब ये लास्ट वाली है। मैंने 3 शिफ्ट में कपड़े धोए हैं क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। अब बस मैं वेट करूँगी, तब तक मैं अपना और भी काम कर लूँगी। इधर मैंने चावल भिगो दिए हैं, इनको मैं कम से कम आधा घंटा भिगाऊंगी। अभी कर लेते हैं वॉशिंग मशीन को अच्छे से क्लीन, क्योंकि कपड़े धोने के बाद वॉशिंग मशीन हो जाती है गंदी, तो बस मैं उसी को क्लीन करूंगी। फ्रेंड्स, इधर कपड़े वॉश हो चुके हैं, ये लास्ट शिफ्ट के कपड़े हैं, तो बस मैं इनको निकालूंगी। देखिए फ्रेंड्स, कपड़े अच्छे से वॉश हो चुके हैं, अब बस इनको निकालना है। फ्रेंड्स, मेरे घर में खाने के इतने शौकीन हैं कि डेली कुछ ना कुछ बनाना होता है। आज फिर इतना सारा मार्केट से ले आए, ये सैंडविच बनाने के लिए लाए हैं ब्रेड, उनको तीखी अच्छी लगती है, तो ये सेजवान चटनी, ये आलू भुजिया, ये सब खाने के लिए है क्योंकि उन अब करते हैं सैंडविच बनाने की तैयारी। उसके लिए मैं बॉइल्ड आलू को कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस करके अलग ही टेस्ट आता है सैंडविच में, क्योंकि टुकड़े नहीं रहते हैं, मुझे कद्दूकस करके ही बनाना अच्छा लगता है। इसके बाद मैं अनियन और टमाटो को अच्छे से चॉप करूँगी। उसके लिए मैं सबसे पहले उन्हें पील कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चॉपर की मदद से ही इसको चॉप करूँगी, क्योंकि चॉपर की हेल्प से ही अच्छा चॉप्ड हो जाता है, बारीक जैसा भी अपने को चाहिए वैसा चॉप्ड हो जाता है, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, कम टाइम में हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा चॉपर का ही यूज़ करती हूँ। आप लोग भी बताइए कि आप चॉपिंग के लिए क्या करते हो, हाथ से करते हो या फिर किसी गैजेट की मदद लेते हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो बस मैं जल्दी से यहाँ पर चॉप कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, कितना बारीक चॉप्ड हुआ है अनियन, कितना शानदार लग रहा है देखने में। इसके बाद में अब मैं टमाटो को चॉप करूँगी, वो भी आप देखना कितना फाइन चॉप होता है।
फ्रेंड्स प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। ये बॉइल्ड आलू जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और चॉप्ड टमाटो और अनियन है, ये चीज़ स्लाइस है, ये मेयोनीज है और ये पिज़्ज़ा टॉपिंग वाली सॉस है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है सैंडविच के ऊपर, इसलिए मैं इसको भी लगाऊंगी। ये आलू भुजिया है और ये ब्रेड, ये सब चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ सैंडविच बनाने के लिए। ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे सैंडविच की कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ, बस मैंने जो भी किया था जैसे भी बनाई थी वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सैंडविच की रेसिपी बताऊँ और मैं किस किस तरीके, मैं कई तरीके की सैंडविच बनाती हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रेसिपी भी शेयर करूँ तो आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। बस मैं बनाने जा रही हूँ तो बस आप देखते चलिए मैंने किस तरीके से बनाई थी, कैसे क्या किया था। सैंडविच है तैयार और इस प्यारी सी स्माइली के साथ मैं अब उसको सर्व करने वाली हूँ। कितनी प्यारी स्माइली लग रही है। हमारा गाजर का हलवा, आइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स।
इस पर जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरा फेवरेट है गाजर का हलवा, आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।